SPA9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति से। आपने देखा कि महाराष्ट्र की सियासत में जो उठा पटक हुआ उस दौरान हमें काफी आरोप प्रत्यारोप का भी एक मंजर देखने को मिला। अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में दोनों गुट यानी कि शिंदे गुट और यहां पर उद्धव गुट यानी कि शिवसेना गुट, दो गुटों के बीच में जो जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली इस बीच में फायदा NDA को हुआ। लेकिन इस दौरान जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो अभी भी नहीं थमा है। अब इस तरफ एक तरफ जो जहां पर शिंदे गुट है वो फिर से आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर और एक और वार यहां पर ठाकरे गुट के ऊपर करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि शिंदे गुट का कहना है कि अब उद्धव ठाकरे इतने डर गए हैं, शिवसेना पार्टी इतनी डर गई है कि अब उनके विधायक या फिर उनके कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ के यहां से दूसरी तरफ ना जाए, इसीलिए 100 रुपए का एफिडेविट बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात जो है वो शिंदे गुट की तरफ से कही जा रही है। यहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शिंदे गुट की तरफ से ये बात जारी की जा रही है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है और उनकी जो पार्टी है वो 100 रुपए का एफिडेविट सभी कार्यकर्ताओं के लिए मैंडेटरी कर रहे हैं कि पहले आप इस एफिडेविट को भरिए ताकि आप इस पार्टी को छोड़ के यहाँ से ना जा सके। तो ये तमाम मुद्दा जो है वो कई तरह से अपने रणनीति रूप में सामने आ रहा है। अब क्या 100 रुपए का एफिडेविट भी अब उद्धव ठाकरे इस तरीके के चार्जेस ले रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे जो है इस तरीके का एफिडेविट बनवा करके उन विधायकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी पार्टी में अभी मौजूद है, लेकिन आने वाले समय में वो अपना दल ना बदल ले, इस तरीके के खौफ से बचने के लिए क्या उद्धव ठाकरे जो है वो इस तरीके के पूरे समीकरण जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये भी एक तरीका है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने इधर बंधक के रूप में बांध के रखे? इस तरीके की कवायदे क्या सच में उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप लोग की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये 100 रुपए की एफिडेविट वाली बात जो है वो किस हद तक सच है? क्या उद्धव ठाकरे को लेकर के शिंदे गुट का जो दावा है क्या वो सच है? क्या इस दावे के ऊपर जो एक तथ्य दिया गया है वो तथ्य आप लोगों को किस हद तक सच लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस पूरे मामले में आप और किन मुद्दों से अवगत होना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPA9 न्यूज़।